परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स वो एडजस्टमेंट्स होती हैं जो कि पहली बार और उसके बाद तब करी जाती हैं जब किसी भी कंसोलिडेटेड एंटिटी के शेयर होल्डिंग में चेंज आता है। और पहली बार शेयर होल्डिंग में चेंज तब आता है जब कंसोलिडेटेड एंटिटी को एक्वायर किया जाता है। ये दो तरीके की होती हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व और डिटर्मिनेशन ऑफ NCI। यानी जो परमानेंट कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स होती हैं वो कौन सी होती है, एक होती है NCI, दूसरी होती है गुडविल। ऑडिटर को ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि इन एडजस्टमेंट्स की कैलकुलेशन प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑडिटर को ये अच्छे से एग्जामिन कर लेना चाहिए कि क्या जो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स है वो NCI और पेरेंट के बीच में अच्छे से एलोकेट हो गई है या नहीं हुई है। उसके बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट चेंज आता है शेयर होल्डिंग में ड्यू टू डिस्पोजल या फर्दर एक्विजिशन या सब्सिक्वेंट एक्विजिशन, तो फिर ऑडिटर को फिर से वेरीफाई करना चाहिए परमानेंट कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स जैसे कि NCI और गुडविल। ऐसा हो सकता है कि किसी एक सब्सिडरी को एक्वायर करने में गुडविल आ जाए और किसी दूसरी सब्सिडरी को एक्वायर करने में कैपिटल रिजर्व आ जाए, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसे नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं। बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स और अकाउंट्स में हमें प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा कि किस सब्सिडरी का ग्रॉस गुडविल कितना हुआ और ग्रॉस कैपिटल रिजर्व कितना हुआ। अगर ये नेट ऑफ करके हम तभी दिखा सकते हैं जब जो FRF है वो परमिट करता हो।